What's up guys, welcome back to another video. मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा. कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट एंड वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कोलकाता फूड सीरीज विच इज पार्ट नंबर 5. आई कैन टेल यू हाउ अमेजिंग दिस ट्रिप वॉज फॉर मी पर्सनली, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आई वॉन्टेड टू कम हियर सिंस पास्ट 1.5 ईयर. अब मैं खड़ा हूँ पार्क स्ट्रीट में, विच इज द मोस्ट हैपनिंग एरिया ऑफ इंटायर कोलकाता. बहुत सारे फॉरिनर्स यहाँ पे आके खाते पीते थे एंड देर आर वेरी फेमस कैफेज इन विच these foreigners used to come here and eat. And not only that, बहुत सारे Indian celebrities and Indian poets and all भी आया करते थे Park Street पे बहुत सारे restaurants में खाने पीने के लिए. इसलिए ये video हम लोग dedicate करेंगे इन्हीं सारे legendary cafes and restaurants के लिए. आज के इस video में मैं आपको 4 से 5 बहुत ही iconic restaurants and cafes दिखाने वाला हूँ कोलकाता में, from Flurries to Mocambo to Peter Cat and many more places. So make sure you watch this video till the end. आज की पहली जगह जो हम जा रहे हैं वो है iconic breakfast spots in Kolkata, that is Flurries. Very popular, very old, legendary spot. Let's go without wasting any further time. Flurries. अब Flurries ये जो place है, it was set up in 1927 and इसके अभी कुछ और branches भी आ चुके हैं कोलकाता में, but ये वाला सबसे इनका पहला था Park Street पे. It's a very popular place for having a breakfast, bakery items, desserts. You can see the menu here. मैंने menu आपको screen पे दिखा रहा हूँ. Loads of options here. Flurries was started in 1927 by this couple, Jay Flurry and उनकी wife जो थी, उन्होंने ये start किया था. They were a Swiss couple and they wanted to bring this concept of European and you know continental, especially American options in Kolkata. And उस time पे क्योंकि बहुत सारे Britishers रहा करते थे, तो they wanted to cater to that kind of audience as well. यहाँ पे बहुत सारे popular लोगों ने भी आके खाना खाया है एंड यहाँ का breakfast किया है, like Raj Kapoor, Vaijanathimala who was a dancer. Talking about the food now, breakfast मैंने अपने लिए यहाँ पे इनकी सबसे famous chicken patty, that is chicken puff order कर दिया है. आई हैव गॉन विथ वन वेज पनीरी बिकॉज माई मॉम इज अ वेजिटेरियन. आई हैव गॉन विद द कैपुचिनो एज वेल. तो ये हमारी चिकन पैटी यहाँ पे आ चुकी है. इट्स अ वेरी फेमस स्नैक हियर सिंस 1927. बहुत लोग यहाँ पे आके ये चीज़ खाना पसंद करते हैं. ओ इट्स वेरी फ्लेकी एंड इट्स क्वाइट फ्रेश. और उसको ट्राई किया जाए. दिस इज ऑल द चिकन पैटी लुक्स लाइक. अंदर से मेरे को सिर्फ और सिर्फ बॉयल्ड चिकन दिख रही है, जस्ट अ बिट ऑफ ब्लैक पेपर हियर. Oh wow, oh, this is insane. वो जो बटर का एक टेस्ट होता है ना, जब भी आप कोई भी एक बेकरी आइटम खाते हो इसमें से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है. इफ़ आई जस्ट ओपन इट एंड शो यू लुक एट दिस, देर इज ओनली सॉल्ट, चिकन, जस्ट अ बिट ऑफ कैप्सिकम, ब्लैक पेपर, दैट्स इट. लुक एट दिस. ये जो लेयर है ये बाहर से काफ़ी क्रिस्पी एंड क्रंची है, अंदर एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट योर सेल्फ. आई लव दिस अलॉट. अब देखते हैं हम आगे और क्या खाने वाले हैं. Next up, I'm having this veg panini. It has jalapenos, onion, a bit of capsicum, mozzarella है इसमें, pesto sauce है, there is mushrooms as well, थोड़ा lettuce है यहाँ पे, grilled quite well. Side में we have some fries as well. It's fresh. It's just good amount of cheese filled with veggies. It's very good. It's good amount of salty, good cheesy. अगर आप देखोगे तो इसमें veggies बहुत ज़्यादा हैं. If you are someone who loves veggies in their paninis or sandwiches, you guys are going to love it. इसको ना इतना ज़्यादा spicy या मसाले डाले नहीं गए हैं. थोड़ा सा butter, हल्का सा salt, black pepper, good amount of pesto sauce. It's a quite a good and a filling snack. जो mushrooms डाले गए हैं उनको भी हल्का सा sauté किया हुआ है, एकदम slight amount of butter में. इट्स अ वेरी गुड सैंडविच. आई लव इट पर्सनली. नाउ लेट्स गो ऑन टू द मेन एरिया जहाँ पे पूरा डिजर्ट्स, केक्स, पेस्ट्रीज सब रखा हुआ है एंड देखते हैं हमको वहाँ पे क्या खाने चलते हैं. कॉफी इज डिसेंटली स्ट्रॉन्ग, हॉट, इट्स फ्रेश, हैज गुड अमाउंट ऑफ फोम ऑन टॉप. अभी डिजर्ट की बात आती है, मैंने वहाँ पे अपने लिए एक आलमंड क्यूब और एक स्ट्रॉबेरी क्यूब बोला है. अभी दोनों चीज़ें क्या है वो आएंगी, मैं आपको फिर बताता हूँ. Here I have two desserts. This is an almond cube and this is a strawberry cube. So this almond cube is basically a cake जिसके बाहर से ना sugar की frosting होती है ना, it's extremely soft. अगर आप देखोगे ये बाहर से पूरा sugar की frosting है, it's just a bit crumbly, has थोड़े से you know almond के shavings, there is a bit of cream here, this is frosting here, ये थोड़ा सा hard रहता है. Same is with the strawberry one. This is a strawberry cake जिसके आजू बाजू पूरी ice की frosting होती है. अब सबसे पहले I'll try this almond cube. Let's try this. Oh, it's very moist, very creamy. And it's very soft. Look at this. Oh,
ओह माय गॉड, इट्स लाइक अ क्लाउड। जो शुगर रहती है उसकी जो बाहर से कोटिंग की गई है उसके ऊपर अलग से थोड़ा थोड़ा सा ये क्रम्बली केक टेक्सचर अलग है, आलमंड के थोड़े चंक्स एंड दिस इज लाइक अ क्रस्ट केक ऑन टॉप। बीच बीच में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे थोड़े से क्रीम के लेयर्स भी हैं। ये देखो क्रीम के लेयर में हल्के हल्के से अंदर आलमंड के चंक्स भी हैं। स्ट्रेट अप 10/10। नेक्स्ट अप द स्ट्रॉबेरी क्यूब जिसमें आइसिंग शुगर डाली गई है ऊपर से। देखो हल्का सा कड़क टेक्सचर इसमें भी है। लेट्स सी हाउ दिस इज। देखो बीच में अगर आप देखोगे स्ट्रॉबेरी क्रीम डाली हुई है बीच में केक के। बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक। दिस ऑन द अदर हैंड थोड़ा ज़्यादा स्वीट है बिकॉज इसमें जो आइसिंग शुगर है उसकी स्वीटनेस का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट है। आई वुड प्रेफर द आलमंड क्यूब बिकॉज उसमें बाहर से जो केक रहता है उसके क्रम्बल्स हैं, आइसिंग शुगर का भी टेस्ट आ रहा है, आलमंड्स का भी टेस्ट आ रहा है। बट यर इट्स प्रिडोमिनेटली मोर ऑफ आइसिंग शुगर का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है। बट बोथ द थिंग्स आर 10/10 फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट अप वी आर एट अ वेरी पॉपुलर स्पॉट। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि दिस इज द नंबर वन प्लेस टू हैव लंच और डिनर इन एंटायर कोलकाता। एम एट मोकैम्बो। दिस प्लेस वॉज सेटअप बाय मिस्टर शिवजी कोठारी इन 1956। ही एज अ पर्सन वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास थे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री को लेकर, इसलिए उनका मन था कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट चालू करूँ। सो ही स्टार्टेड दिस रेस्टोरेंट एंड सिंस देन दिस रेस्टोरेंट हैज़ बीन अ हेरिटेज प्लेस। उस टाइम पे यूरोपियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा था ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इटालियन शेफ को लेके आए थे नेम्ड एंटोनियो प्रोंदे। एंटोनियो प्रोंदे वॉज द नेम ऑफ द शेफ जो यहाँ पे आए थे। एंड देन मिस्टर शिवराज ने उनको बोला कि आई वॉन्टेड टू यू नो क्यूरेट गुड अमाउंट ऑफ इटालियन एंड यूरोपियन फूड हियर इन कोलकाता। तो विद दैट पर्सन, विद दैट शेफ, उन्होंने बहुत सारे इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल डिशेस को कोलकाता में इंट्रोड्यूस किया एंड फिर ये एक मेन्यू बना जो काफ़ी सालों से सेम ही है। तो ये हिस्ट्री यहाँ पे रही है यहाँ की। एंड देन उनके बाद मिस्टर शिवजी के बाद नितिन कोठारी जो उनके बेटे हैं वो अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये बिजनेस को। दिस प्लेस वाज द फर्स्ट इन द बिजनेस टू कम अप विथ लाइव म्यूजिक बैक इन 1956-1957। दिस प्लेस वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने लाइव म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया था कोलकाता में एंड डांस फ्लोर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। तो दैट इज़ वन हिस्ट्री ईयर। टॉकिंग अबाउट द फूड, लुक एट देयर मेन्यू, मेन्यू इज़ फैंटास्टिक। बहुत ही बड़ा मेन्यू है, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, यूरोपियन एंड देयर इज इंडियन फूड एज वेल। हल्का सा यहाँ पे आपको बंगाली फूड भी मिलेगा। तो मेन्यू तो बहुत बड़ा है। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, इंटीरियर इज़ वेरी पॉश, वेरी एलिगेंट, हैज गुड ओल्ड रस्टिक फीलिंग टू इट, वेरी नाइस। एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है पूरा एंड द स्टाफ इज ऑल्सो वेरी पोलाइट। आई लव द सर्विस। अभी हमने अपने लिए लंच में ऑर्डर कर दिया है चिकन पैवलोग्राड विच बेसिकली मीन्स अ चिकन आला कीव। चिकन आला कीव इज़ लाइक अ रशियन चिकन फिलेट। उसके अंदर यहाँ पे डालने वाले हैं मशरूम, चीज़, बटर, ग्रीन पेपर, टोमेटोज एंड उसके साथ वी हैव ऑर्डर्ड स्पेगेटी इन टोमेटो सॉस। लेट्स सी हाउ इट इज। सो हियर इज़ आवर स्पेगेटी इन टोमेटो सॉस। एज यू कैन सी स्पेगेटी है नीचे एंड देर इज लोड्स ऑफ चीज़ ऑन टॉप। ये बहुत ही यू नो एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसमें जो टोमेटो सॉस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है। लुक एट दिस, लुक एट द अमाउंट ऑफ चीज़ ऑन टॉप। काफ़ी थिक होती है ये एंड दिस इज क्वाइट सॉसी। पहले हम ये ले लेंगे उसके बाद आप मैं आपको पैवलोग्राड दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, आई कैन रिड्यूस एवरी डे ऑफ माई लाइफ। हल्का सा खटास भी है वो टोमेटो की वजह से, स्वीटनेस भी है, बिट ऑफ स्पाइसी। एक बार में मैं नहीं रोक सकता। ये देखिए जितना मुझे लग रहा था ये हैवी होगा, दिस इज़ नॉट हैवी। चीज़ इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। आई एम अज्यूमिंग इट्स लाइक अ शेडार चीज़, इट्स नॉट अ मोजरेला वन बिकॉज कोई पुल आउट नहीं आ रहा है। इफ यू जस्ट सी द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पास्ता, दे आर वेरी यू नो सॉसी एंड ईच स्ट्रिंग इज़ वेरी थिक। लुक एट दिस, ईच स्ट्रिंग इज़ वेरी थिक एंड दिस इज़ फैंटास्टिक गाइस। आई डोंट इवन नो कि मैं आपसे बात करूँ या ये खाऊँ। क्वान्टिटी वाइज इज ऑल्सो वेरी गुड, नॉट नॉट डिसअपॉइंटिंग। देर इज नॉट मच ऑफ स्पाइस, हल्का सा यहाँ पे ब्लैक पेपर के साथ सीजन किया हुआ है एंड द टोमेटोज की जो क्वालिटी है जो सॉस में यूज़ की गई है इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स जूसी, वेरी नाइस, आई लाइक इट। एंड आई हैव हर्ड अ लॉट के यहाँ का इटालियन फूड इज़ वेरी गुड, सो नाउ आई हैव टेस्टेड इट एंड आई कैन गारंटी दैट कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दिस पास्ता हैव लाइक अ नाइस च्यूई ग्रीसी फ्लेवर, लव इट। सो नाउ दिस इज चिकन पैवलोग्राड। व्हाट दिस इज, दिस इज चिकन आला कीव विच इज़ फ्राइड चिकन, एक्सेप्ट इसमें फ्राइड चिकन के अंदर देर इज चीज़, सम बटर, थोड़ा मशरूम है यहाँ पे हल्के से। दीज आर पास्तास, दीज आर पोटेटोज, हल्के से वेजीज में यहाँ पे हैं कैरेट एंड इस साइड में थोड़े से पीस भी हैं। चलो ओहो हो, लुक एट दिस, इसके अंदर ढेर सारा बटर होता है। ये देखिए, लुक एट दिस,
लुक एट हाउ बटर इज ऊजिंग आउट. ये थोड़ा मेजडअप हो जाता है गाइस, बट दैट्स व्हाट द एसेंस हियर इज. लुक एट दिस गुड अमाउंट ऑफ चीज इन हियर, सम मशरूम्स. विल टेक दिस वन बाइट हियर. दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. दिस इफ यू सी इज लाइक अ बर्स्ट ऑफ बटर, थोड़े वेजीज, मशरूम्स. ये ऑन द अदर हैंड इट्स जस्ट अ बिट मोर क्रीमी, चीजी. दिस इज लाइक अ चिकन शेल. इफ यू सी दिस इज लाइक अ फ्राइड चिकन शेल. दिस इज लाइक ब्रेड क्रम्स बाहर से जिसमें इसको डीफ्राई किया गया, एंड अंदर पूरी स्टफिंग थी. ये चिकन को ना अंदर थोड़ा सा क्रीम, चीज, कैप्सिकम, अनियन, मेल्टेड बटर के साथ डाला जाता है. दिस इज लाइक अ रशियन प्रिपरेशन. लुक एट दिस. थोड़े से वेजीज में जो पास्ता डाले गए हैं, आई विल ट्राई दिस. थोड़े से स्वीट पास्ता है, रेड सॉस में टॉस किया गया है इन पास्तास को. तो इफ़ यू आस्क मी, दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मुझे बेस्ट लगी. ऑफकोर्स दोनों अलग अलग है, एक इटालियन है, कॉन्टिनेंटल है, दे कांट बी कंपेयर्ड. परफेक्ट. लेजेंडरी कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स की सीरीज में हम लोग आ चुके हैं अभी नाहो मैन सेंस में, न्यू मार्केट में. इट्स अ वेरी पॉपुलर बेकरी इन एंटायर कोलकाता. दिस प्लेस वॉज स्टार्टेड इन 1906 बाय दिस मैन कॉल्ड एज नाहुम इजराइल मोइदराकी. आई होप आई प्रोनाउंसिंग द राइट नेम, मैं नीचे लिख दूंगा फिर भी. दिस पर्सन केम फ्रॉम 1906 एंड वेन ही फर्स्ट अराइव्ड इन कोलकाता, उन्होंने घर घर जाके चीज़ बेचना चालू किया था, ठीक है. फिर उनको धीरे धीरे मालूम पड़ा कि यार यहाँ पे क्योंकि बंगाली मिठाइयाँ बहुत मिलती हैं, लेकिन कोई भी प्लम केक्स, यू नो, ईरानियन केक्स और पेस्ट्रीज कोई बेचता नहीं है. तो उन्होंने ये पूरा अंडरस्टैंड किया, एंड देन 1917 में उन्होंने सबसे पहला ये स्टोर खोला, विच इज़ द ओनली स्टोर इन कोलकाता, नाहुम्स एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कॉन्फेक्शनर्स. यहाँ पे आपको प्लम केक्स मिलते हैं, मावा केक्स मिलते हैं, पेस्ट्रीज मिलती हैं, देन एट द सेम टाइम यू गेट चिकन पैटीज, वेज पैटीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मैंने अपने लिए यहाँ पे इनका एक लाइट प्लम केक ले लिया है, जो आपने देखा वहाँ पे लगा हुआ है ओपन में, जो आप देख सकते हो. ये ऐसा दिखता है कुछ. जो स्टाफ इन्होंने आके बोला कि हम आपके लिए कार्ड देते हैं सो दैट खाने में आपको थोड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस लगेगा, तो इसको अभी हम ट्राई करेंगे. इसका हम लोग यहाँ से एक पीस लेंगे. दिस इज ऑल दिस लुक्स लाइक. दिस इज अ लाइट प्लम केक. यहाँ पे हल्के से रेजिन्स हैं, थोड़े से यहाँ पे कैशूज हैं. ये बनता है मैदा, शुगर, नॉट दैट सॉफ्ट, क्योंकि प्लम केक्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट नहीं होते. ये देखो ढेर सारे यहाँ पे अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं. व्हाट इज वेरी गुड, विद टूटी फ्रूटी का भी टेस्ट आता है, इसमें काफ़ी अच्छा आता है. हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा. आई थॉट दिस वुड बी वेरी स्वीट, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस इज नॉट दैट स्वीट, बैलेंस स्वीट है. जो किशमिश भी डाली हुई है, एक बार आपको दिखा देता हूँ. बड़ा ही ज़बरदस्त स्वाद है यार इसका. ये देखो आप, बीच बीच में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी है, जेलीज जिसको बोलते हैं, हल्की सी है नो, यहाँ पे किशमिश भी डाली हुई है, हल्की सी इलायची का टेस्ट आ रहा है, मैदा है इसमें, बट इट डजेंट मेक यू फील दैट चूवी और डजेंट मेक यू फील दैट हैवी. बेक्ड वेरी नाइसली. ये वाले की जो आपको शेल्फ लाइफ मिलेगी ना, 7 दिन की मिलेगी, और जो दूसरा प्रॉपर ड्राई फ्रूट वाला है उसकी 21 डेज की. और दिस थिंग इज़ वेरी वेरी गुड. नट्स नहीं है, ड्राई फ्रूट इतने नहीं है, बट दिस इज फैंटास्टिक. और अगर अब तक आपको ये वीडियो देख के मजा आ रहा होगा, फिर शुड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल. चलिए अभी और एक दो जगह देखते हैं कोलकाता की फेमस लेजेंडरी आउटलेट्स में चलके. द नेक्स्ट प्लेस ऑफ द डे इन दिस आइकॉनिक एंड लेजेंडरी रेस्टोरेंट टू जो हम लोग आज के दिन में कर रहे हैं इज गोइंग टू बी पीटर कैट. ऑफकोर्स अगर मैं कोलकाता आ रहा हूँ एंड ये टाइप का वीडियो बना रहा हूँ तो पीटर कैट विल ऑलवेज बी इन द लिस्ट. अब दिस प्लेस प्राइमरीली वॉज सेटअप इन 1973. दिस प्लेस वॉज सेटअप बाय नितिन कोठारी, हु वॉज लाइक द सन ऑफ सावजी कोठारी, हु स्टार्टेड मोकैम्बो फर्स्ट. अब जो ये प्लेस है, ये प्लेस ने बहुत ही क्विकली पॉपुलैरिटी गेन की, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द चेलो कबाब्स जो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं. बट अगर आप इंटीरियर्स देखोगे, द एंटायर वाइब ऑफ दिस प्लेस एंड द मोकैम्बो इज टोटली सेम. द मोकैम्बो एंड देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट विच इज बीइंग स्टार्टेड बाय द सेम ओनर्स, द कोठारी फैमिली विच इज कॉल्ड एज पीटर हु. ये तीनों सेम ओनर के अंडर आते हैं एंड दे हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस. दिस डिश चेलो कबाब्स इज लाइक एन ईरानियन इंस्पायर्ड डिश, एंड दिस डिश वॉज बॉट हियर बाय नितिन कोठारी. ही वॉज ट्रैवलिंग
to Iran in one of his trips, and there he discovered something like chelo kebabs, and then he was very fascinated and he thought ke waisa kuch hum Kolkata mein leke aayenge. So chelo kebabs kya hai wo main aapko dish aane ke baad samjhaunga. And ek aur important cheez jo maine aapko batayi nahi hai, that this restaurant is ranked 17th among 350 best restaurants in the world, and one of the big credits goes to this dish chelo kebab. So let's see, hum log yahan pe order kar diye hain. Yahan pe hum ek hi dish khayenge kyunki wo ek hi ek insaan ke liye kaafi hoti hai. Iske baad hum log ek aur jagah jane wale hain. The iconic chelo kebabs from Peter Cat is here. This looks heaven. There are two kind of meats, chicken and lamb. ये एक Iranian dish होती है जिसमें नीचे आपको सबसे पहले rice मिलते हैं. ये थोड़े saffron flavored rice होते हैं. Then ऊपर से there is one tomato, normal tomato. ये थोड़ा roasted tomatoes होते हैं. And यहाँ पर आपको 6 to 7 pieces of chicken kebabs मिलते हैं. And बाजू में यहाँ पर जो lamb होता है जिसको mutton कहते हैं उसके सी kebabs रहते हैं. And बीच में there is this one sunny side up जिसके बीच में there is 2 to 3 gallops of butter. Oh, where do we start from? Okay. We'll take one. Oh, the chicken actually nikal bhi gaya. So what I'll do is I'll take this chicken, I'll take some of that egg. Oh, I am so impressed. The rice are a bit salty, they are a bit greasy because of butter. Ye jo chicken hai na, ye bahut hi zyada soft hai. ये लाइट स्पाइस में मैरिनेटेड है. ये काइंड ऑफ जो चिकन टिक्का हम खाते हैं ना, इसको बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट मत करिएगा. ये इरानियन कबाब है जो बहुत ही माइल्ड स्पाइस में बना हुआ होता है, एंड इसको ग्रिल किया हुआ था विद सम वेजीज, टोमेटोज, सम अनियंस. एंड टॉकिंग अबाउट दिस राइस, ये राइस थोड़े से स्टिकी है बिकॉज इसमें ऑयल और बटर का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है. डिसेंट अमाउंट ऑफ यू नो वॉर्म है ये एग, एंड आई एम लविंग दिस प्रिपरेशन. अगर आप इरानियन कुजीन के बारे में जानते हो, वहाँ पर अपने कबाब्स को और राइस को बहुत सीरियसली लिया जाता है. अगर मैं ये ट्राई किए बिना चला जाता, आई वुड हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड. कि पूरी प्रिपरेशन में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ. अब चेलो, ईरान में चेलो माने सैफरन राइस होता है, कबाब्स माने जो नॉर्मल कबाब्स हम खाते हैं. अब हम उनका जो मटन सीख कबाब है, लैम सीख कबाब, वो ट्राई करेंगे. ये देखिए, ये लैम सीख कबाब जो होते हैं उनको स्ट्यूवर्स पे बनाया जाता है. वन ऑफ द रेयर प्रिपरेशन आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे आपको सीख कबाब एंड टिक्का साथ में दिया जा रहा है. आई जस्ट हैव इट लाइक दिस. द मटन इज सो सॉफ्ट. मटन का जो सीख कबाब रहता है हल्का चुई और थोड़ा कड़क होता है. दिस वन अगेन वेरी लाइट और वेरी जूसी. मटन में भी काफ़ी बटर डाला हुआ है, एंड इट्स डिलिशियस. लाइक आई कांट इवन टेल यू हाउ अमेजिंग दिस डिश इज. इफ़ यू आर कमिंग टू कोलकाता, डोंट गो बैक विदाउट हैविंग दिस डिश. आप वेज में भी खा सकते हो, डोंट वरी. वेज में भी कबाब जो होते हैं वो आप एक बार आने के पहले मेनू में देख लीजिएगा. वेजिटेरियन ऑडियंस भी खा सकती है. उसके बाद एक और जगह जाने वाले जो आज की लास्ट जगह होगी, यहाँ पे हम लोग डिनर का पार्ट टू करेंगे वेज ऑडियंस के लिए. यहाँ पे हम थोड़ा सा ले लेंगे ये मसाला पापड़. The last place of this entire Kolkata food tour brings us to a vegetarian palette of dishes. हम आ चुके हैं कोशा कोशा में, एंड यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं वेज थाली. कोशा कोशा वो स्टार्टेड इन 2007, एंड ये बहुत ही कम टाइम में काफ़ी पॉपुलर वेज या नॉन वेज यू नो ईटरी बन गया है. ये प्लेस रिपॉन स्ट्रीट पे आती है. यहाँ पे इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है. सीटिंग छोटी बट इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड इट्स क्वाइट नाइस. अब मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी थाली में होता क्या क्या. दिस इज शुक्तो. शुक्तो माने एक मिल्क की बेस में बनी हुई एक ग्रेवी होती है, हल्की सी स्वीट होती है. इसमें आप बहुत सारे वेजेस मिलते हैं आपको. दिस इज बंगाली स्पेशल येलो दाल. दिस इज चना दाल ना. दिस इज बेसिकली कॉटेज चीज़ इन दिस येलो ग्रेवी. हियर वी हैव आम का अचार. या आज की मिष्टी, मिष्टी बंगाली में माने स्वीट, रसगुल्ला. हियर वी हैव सम सैलड, दो रोटियां हैं. हियर वी हैव राइस, पापड़. दिस इज काइंड ऑफ अ भुजिया बोल सकते हैं आलू का. ये बैंगन भाजा है. सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे, इसको कहते हैं शुक्तो. वील पोर सम ऑफ दिस ऑन द राइस. वेल दिस ग्रेवी शुक्तो, ये थोड़ी सी क्रीमी एंड हल्की सी स्वीट साइड पे. फ्राइज आर फैंटास्टिक, बहुत अच्छे फ्लेवर्ड फ्राइज हैं. गरम, ये बिटर गोड मुझे लग रहा है. मिल्क में बनती है, ढेर सारा मस्टर्ड सीड्स जाता है इसमें. देयर इज बिट ऑफ कैरेट. ये हम लोग मीठा पेठा बोलते हैं ना, ये वो है. दिस इज द येलो मूंग दाल, जिसमें हल्का हल्का सा जीरा हमको दिख रहा है. हल्के से ग्रीन चिलीज हैं इसमें. गुड फ्लेवर्स. There's no garlic in there. जीरा, हल्की सी स्वीटनेस, डिसेंट कंसिस्टेंसी है दाल की.
इतनी मोटी भी नहीं है, इतनी पतली भी नहीं है। पापड़ ट्राई करते हैं, फ्राइड पापड़ प्रीटी गुड। दिस इज चना दाल ना, विच बेसिकली मीन्स कॉटेज चीज इन दाल। लेट्स पुट दिस इन हियर। थोड़ा रबड़ी इन टर्म्स ऑफ द टेक्सचर्स। दिस वन इज वेरी स्वीट, उसमें जैगरी यूज की गई है। जो रेसिपी होती है ये एक नो ऑनियन नो गार्लिक रेसिपी होती है। इसमें काफ़ी जगहों पे आलू भी यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एज इट इज सिर्फ कॉटेज चीज़ यूज़ कर रहे हैं। कॉटेज चीज़ को हम पनीर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे छेना बोलते हैं। अगर आप कॉटेज चीज़ देखोगे तो इसको बाहर से हल्का सा कलर में कोट किया हुआ है, लेकिन इसको फ्राई करके डाला है। देर आर 2 to 3 पीज होते हैं, ग्रीन पीज वो भी डाला हुआ है। दिस चना डालना इज स्वीट, दिस वन इज माइल्डली स्पाइसी, एंड दिस वन इज क्रीमी एंड मिल्की। दे ऑल हैव डिफरेंट फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स। दिस इज बैगन बाजा, इट्स लाइक ब्रिंजॉल जिसको थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है। इसको हम अभी ट्राई करते हैं। ये मेरे मम्मी घर में बहुत बनाते हैं ब्रिंजॉल को थोड़ा सा फ्राई करके। मैं चपाती के साथ इसको ट्राई कर रहा हूँ। आई डोंट ईट बैंगन, इट्स गुड। समवन हू लाइक्स बैंगन विल लाइक इट, मॉम विल लाइक इट। बहुत रीजनल टेस्ट इसमें। लास्ट विल ट्राई द मिष्टी, दिस विल हैव वन रसगुल्ला, एंड द लास्ट थिंग विच विल ईट ऑन दिस टूर। रसगुल्ला इज फैंटास्टिक, शुगर सिरप का बहुत टेस्ट आ रहा है अच्छे से। जो छेना होता है कॉटेज चीज़, उसका सॉफ्ट फ्लेवर, हल्का सा कड़क बाहर से अंदर से काफ़ी सॉफ्ट। एवरीथिंग हियर वॉज क्वाइट गुड। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे आप सभी को किसी और वीडियो के साथ, कहीं मुंबई में या कहीं और फूड टूर करेंगे। बट ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करूँगा आपको कोलकाता की फूड टूर बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी पूरी फूड टूर, आपने नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लो, कॉमेंट करके बताओ। कोई फीडबैक होगा उसके लिए भी मैं डेफिनेटली बैठा हूँ आपके सब सारे कमेंट्स पढ़ने के लिए। ये वीडियो यहीं तक था। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज सेफ। Peace. Bye-bye from Kolkata.